नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति बेस्ट उत्तराखंडी में। रेसिपी ऑफ द डे इज आटे का हलवा। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आटे का हलवा विद अ यूनिक वे, जिसमें हम चीनी की जगह गुड़ जैगरी का यूज करेंगे। हमारे उत्तराखंड में मोस्टली गुड़ से ही आटे का हलवा बनाया जाता है और ये सर्दियों के मौसम में ही ज्यादातर बनाया जाता है, क्योंकि गुड़ और आटे का हलवा दोनों ही गर्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आटे का हलवा बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे आटा, गुड़, घी और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। हमने एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ और इसे अच्छे से पिघलने देंगे और गुड़ का पानी रेडी कर लेंगे। हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। और घी को पिघलने तक के लिए इसे गर्म कर देंगे। अच्छे से घी गर्म होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा आटा। आटे को हम घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक आटे का कलर हल्का सा ब्राउनिश सा ना हो जाए और घी में आटा अच्छे से रोस्ट ना हो जाए तब तक। आप देख सकते हैं आटे का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। इसे चलाते रहें जब तक ये ब्राउनिश कलर का ना हो जाए। आटा हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पे बादाम, काजू लिए हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करना चाहते तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आटे में 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और आटा अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारा रेडी हुआ हुआ गुड़ का पानी। हमने इसमें मिठास के लिए सिर्फ गुड़ को डाला है, चीनी को ना डालकर हमने यहाँ पे सिर्फ गुड़ का पानी तैयार करके इस आटे में डाला है। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक ये हल्का सा थिक ना हो जाए और जैसी थिकनेस हमें आटे के हलवे के लिए चाहिए उस थिकनेस में जब तक आना जाए तब तक। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे आप एडिशनल ड्राई फ्रूट डालकर इसे हॉट एंड हॉट सर्व कीजिए। सर्दियों के इस मौसम में गर्मा गर्म आटे का हलवा खाने का अलग ही मजा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। धन्यवाद।